हेलो दोस्तों नमस्कार आपके अपने यूट्यूब चैनल में आ में दोस्तों मैं दोस्तों मेरे साथ आज की इस वीडियो में आप रेलवे एन टी यानी ग्रुप डी का रीजनिंग यानी कि रीजनिंग क्लास कीजिएगा और इस चैनल के माध्यम से आप रीजनिंग या रेलवे का तैयारी कीजिएगा आपको बता दो कि रीजनिंग का सबसे पहला चैप्टर श्रृंखला आज शुरुआत करेंगे आपके बीच तो वीडियो पे बने रहिएगा और साथ ही साथ आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा चलिए वीडियो की शुरुआत करता हूँ आपको बतलाता हूँ आज के रीजनिंग क्लास सीरीज के बारे में श्रृंखला के कुछ प्रश्न जो प्रीवियस क्वेश्चन में पूछा गया है उसको मैं आपके बीच हल करूँगा चलिए क्वेश्चन पर चलते हैं और आपको बतलाते हैं किस प्रकार से क्वेश्चन को बनेगी जो आपको रीजनिंग में माइंड जो शक्ति जो होता है माइंड को जांचना होता है भापना होता है उस प्रकार के प्रश्न को किस तरह से माइंड लगा के बनाएंगे वो आप देखिएगा इस वीडियो के माध्यम से चलिए एक लाइक कर दीजिएगा क्वेश्चन है पहला क्वेश्चन ध्यान से देखिए पहला क्वेश्चन है ये क्वेश्चन एक सौ एक सौ पंद्रह वाट एक सौ पचास एक सौ सत्तर और एक सौ पचासी को हमको हल करना है जिस जगह वाट के जगह जैसे कि जहां पे वाट है जहां पे वाट है जो इस तरह का सेम्बुल है वहां पे क्या संख्या आएगी 135 आएगी या 140 आएगी या 130 आएगी या 145 आएगी ऑप्शन इसमें क्या है कि पूछा गया है 9 अप्रैल को रेलवे एन में पूछा गया है। तो इस प्रकार का प्रश्न आपको जरूर पूछेगा चलिए मैं इसको हल करता हूँ आपको बतलाता हूँ अब देखिए एक सौ और एक सौ पंद्रह एक सौ ठीक है एक सौ और एक सौ पंद्रह एक सौ एक सौ पंद्रह का जो है में प्लस पंद्रह का जोड़ होता है तो क्या बनता है एक सौ पंद्रह बनता है ठीक है अब देखिए एक सौ पंद्रह और प्लस वाट तो उसको यहाँ एक सौ पंद्रह और यहाँ पे वाट कर देते हैं यहाँ पे खाली हमको ये पूछ रहा है ये पूछ रहा है ठीक है उसके बाद एक सौ पचास और एक सौ सत्तर अब वो देखते हैं और यहाँ पे फिर हम वाट कर लेंगे जो वहाँ पे आएगा वहीं यहाँ पे होगा यहाँ कितना जुड़ना है सो हमको पुर जाएगा देखिए एक सौ पचास क्या पुरना चाहिए एक सौ पचास ठीक है अब देखिए 150 के आगे फिर क्या है वो देख लीजिए कि 150 के आगे 170 तो 150 में जो है कितना जोड़ेंगे तो एक सौ सत्तर पुट जाएगा तो 20 अगर जोड़ते हैं तो क्या पुटता है 170 सौ सत्तर पुट जाता है अब फिर देखिए क्वेश्चन में कि एक सौ सत्तर के बाद एक सौ पचासी है एक सौ पचासी तो एक सौ सत्तर में फिर कितना जोड़ेंगे तो एक सौ पचासी पुट जाएगा एक सौ सत्तर में अगर पंद्रह जोड़ते हैं तो एक सौ पचासी पुरता है तो अब देखिए कि किस प्रकार से इसमें जो है बनेगी कि कितना का अंतराल हो रहा है वो देखेंगे देखिए इसमें कितना का अंतराल हो रहा है पंद्रह उसके बाद बीस पंद्रह यानी कि पंद्रह बीस पंद्रह बीस पंद्रह पंद्रह बीस पंद्रह इस तरह से जोड़ होता है तो आप इसका आंसर देख सकते हैं कितना होगा देखिए अगर इसमें पंद्रह पहले बार जोड़ा है तो यहाँ बीस जोड़ते हैं बीस जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा एक सौ पंद्रह और बीस एक सौ यहाँ पे एक सौ पंद्रह बीस पैंतीस एक सौ पैंतीस हो जाएगा और 120 सौ बीस जोड़े तो यहाँ फिर 15 होना चाहिए और यहाँ 135 में अगर 15 जोड़ते हैं तो कितना आता है डेढ़ सौ पुट जाता है यानी कि 15 बीस पंद्रह बीस तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों कि ये 135 क्या हो जाएगा 135 क्या आंसर हो जाएगा 135, 135 जो आप देख सकते हैं कि 135 का ऑप्शन कौन सा है सो देखिए एक ऑप्शन ए इसका आंसर क्या हो जाएगा ए हो गया ठीक है चलिए अब क्वेश्चन नंबर चलते हैं हम दूसरे क्वेश्चन पे क्वेश्चन दूसरा क्वेश्चन क्या है सो देखिए अब इसको समझ गए तो इसको इरेज़ कर लेते हैं दूसरा क्वेश्चन देखिएगा दूसरा क्वेश्चन क्या है दूसरा क्वेश्चन है श्रृंखला से ही है कि पाँच ग्यारह उन्नीस उनतीस वाट पचपन इकहत्तर अब देखिए यहाँ कि पाँच ग्यारह उन्नीस उनतीस पाँच ग्यारह उन्नीस उनतीस जो है वो उसको देखिए पहले तक क्या है पाँच है उसके बाद ग्यारह है उसके बाद उन्नीस है उनतीस है और वाट है तो अब यहाँ देखिए पाँच पांच और ग्यारह के बीच कितना का अंतर है छः का तो छः जुट रहा है ठीक है अब उसके बाद ग्यारह और उन्नीस के बीच कितना का अंतर है आठ का उन्नीस और उनतीस के बीच कितना का अंतर है दस का इसका मतलब छ आठ दस यानी कि दो दो प्रत्येक संख्या में आगे जुड़ता है तो उसी तरह यहाँ दस हुआ था यहाँ उनतीस में बारह जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा नौ दो ग्य दो एक तीन इकतालीस एक एक क्या हो जाएगा इकतालीस उसी तरह इकतालीस में अगर उसी तरह हम इकतालीस में अगर जोड़ते हैं बारह दो बढ़ जाएगा तो चौदह तो हो जाएगा पचपन क्या हो जाएगा पचपन इसका मतलब हुआ कि इसका आंसर क्या हो जाएगा इकतालीस तो यानी कि छः आठ दस बारह यानी कि छः पहला हुआ था उसमें दो फिर और आगे बढ़ जाएगा तो आठ से जुड़ेंगे तब उतना पुरता है फिर दो बढ़ा लेते हैं अगर दस जोड़ते हैं तो उतना पुरता है यानी कि इस तरह का छः आठ दस बारह चौदह इस तरह का अंतराल चल रहा है और तो इसका आंसर हो गया क्या, क्या तो? ए क्या हो जाएगा हमारे दोस्तों ए यानी कि सॉरी ए इकतालीस बी हो जाएगा आंसर क्या हो जाएगा बी बन गया इसका चलिए क्वेश्चन नंबर आगे चलते हैं और आगे बतलाते हैं सर तो हम अगले क्वेश्चन देखिए अगले क्वेश्चन में क्या है कि दो छ चौदह तीस बासठ वाट दो सौ चौवन यानी कि छः दो के बाद छः हो रहा है छ के बाद चौदह हो रहा है चौदह के बाद तीस हो रहा है तीस के बाद बासठ तो बासठ के बाद क्या होगा ये पूछ रहा है और उसके बाद उसके बाद क्या होगा दो दिया हुआ है उसके बाद दो सौ यानी बासठ और दो के बीच में क्या होगा तो इसको देखिए किस तरह से है थोड़ा माइंड लगाएंगे तर्क शक्ति परीक्षण है ये रीजनिंग जिसको हम लोग बोलते हैं और रेलवे में पूछा गया लगातार ये क्वेश्चन चलिए इस क्वेश्चन को हल करते हैं कैसे करेंगे देखिए अब यहां देखिए ये क्वेश्चन में दो पहले चौदह तीस बासठ ठीक है इतना ही लेके चलते हैं अब दो और के कितना का अंतर है चार चार का अंतर है चार दो छ फिर छ और आठ के बीच कितना का अंतर है फिर चौदह और तीस के बीच कितना का अंतर है फिर तीस और बासठ के बीच कितना का अंतर ये देख, देखेंगे अंतराल तो चार चार जोड़ेंगे तो छ हो जाएगा छ में आठ जोड़ेंगे तो चौदह हो जाएगा चौदह में बारह जोड़ेंगे तो नहीं पूरेगा ठीक है तो ये कैसे बनेगा सो देखिए अब देखिए दो में हम अगर दो से गुना करते हैं या प्लस दो जोड़ते हैं दो दूना चार दू छ गया ठीक है उसी तरह छः में फिर दो से गुना करते हैं और उसके बाद दो जोड़ देते हैं तो छः दूना बारह दो चौदह पुड़ जाता है ठीक है फिर चौदह में हम दो से गुना करते हैं और दो जोड़ देते हैं चौदह तो दो अट्ठाईस और दो तीस बुट जाता है यानी कि दो से गुना और दो जोड़ने के बाद सारा अंतराल जो है सीरियल श्रृंखला जो है मिल रहा है तो जब श्रृंखला सारा मिल रहा है तो उसका आंसर आराम से निकाल देंगे उस तरह बासठ है क्या है बासठ है है ना तो बासठ में क्या करेंगे कि बासठ में भी दो से बासठ में दो से गुना कर देंगे बासठ में अगला संख्या लाने के लिए गुना गुना दो और प्लस दो गुना दू से कि चार दो दू दुना चार आधू छः हो जाएगा ये दो जुट गया आ छः दुना बारह यानि कि एक सौ छब्बीस कितना आ गया एक सौ छब्बीस दो दू दुना दो दू दुना चार आधू छः छः दूना बारह यानी कि एक सौ छब्बीस क्या आ गया मेरे दोस्तों एक सौ छब्बीस तो इसका आंसर क्या है देख लीजिए ऑप्शन इस पहला क्वेश्चन का ऑप्शन हो गया आपको ए ठीक है क्या हो गया ए हो गया तो ये आपका आंसर क्लियर चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर अगले बतलाते हैं इसको एरेंज कर लेते हैं जो आपने हल किया आसानी से चलिए इसको कर दिए अब क्वेश्चन देखिए कि अगला क्वेश्चन ये क्वेश्चन नंबर देखिए पांच सात अब देखिए पांच सात पांच नौ पांच ग्यारह पांच इसमें लगातार एक संख्या के बाद पांच है एक विषम संख्या के बाद क्या है पाँच है तो चलिए इसको हल करते हैं ऑप्शन है बारह पाँच तेरह चौदह देखिए पहले इसको देखते हैं क्या क्या है पहले है कि पाँच पहले क्या है पाँच उसके बाद क्या है सात उसके बाद क्या है पाँच फिर उसके बाद क्या है नौ उसके बाद क्या है पाँच उसके बाद क्या है ग्यारह है ना अब उसके बाद देखिए क्या है फिर पाँच अब फिर उसके बाद वाट तो हमको वाट निकालना है जो क्या दिया वही निकालना है तो अब देखिए कैसे हम इसको डील करेंगे अब देखिए इसमें कि पाँच 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 अब सब जगह पाँच आ रहा है तो विषम संख्या को हम देखेंगे पाँच सब जनसंख्या के बीच गैपिंग है पाँच पाँच के बीच सात है फिर पाँच पाँच के बीच नौ हो जाएगा फिर पाँच पाँच के बीच ग्यारह है अब फिर पाँच ग्यारह और वाट के बीच पाँच हो जाएगा सबके बीच हो जाएगा चलिए अब देखिए विषम सात में दो जोड़ते हैं तब पूर्ण जाता है नौ फिर हम नौ में दो जोड़ते हैं तब पुट जाता है ग्यारह पाँच जो व्यवस्थित हो गया पाँच का कोई काम नहीं है। हमको सिर्फ विषम संख्याओं पर चलते हैं और उसके बाद फिर ग्यारह में दो जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा ग्यारह दो क्या हो जाएगा ग्यारह दो तेरह तो इस स्थान पे क्या आ गया तेरह तो यानी कि जो ये पांच सब व्यवस्थित है और जो अंतराल है ये सब का उसके बीच का अंतर सिर्फ दो दो है तो ग्यारह और पाँच तो इस, उसका बीच का ही अंतराल है ग्यारह और वाट के बीच पाँच है तो ग्यारह में कि दो जोड़ दिए तो तेरह आंसर क्या आ गया तेरह आ गया तो ऑप्शन आपका हो गया मेरे दोस्तों सी क्या हो गया सी आज के इस वीडियो में आप श्रृंखला का जो भी क्वेश्चन रीजनिंग का था सब सभी हल कर लिए फिर मैं अगले वीडियो में अगले रीजनिंग को लेकर के आऊँगा बस वीडियो में बने रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस करिए इससे कि इस प्रकार का वीडियो आपको हमेशा नोटिफिकेशन मिल जाएगी और देखते रहिएगा बहुत बहुत धन्यवाद जय हिंद बंदे मातरम